हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आईलैंड ऑफ पर्ल्स। आईलैंड ऑफ पर्ल्स किसको कहा जाता है? तो इसको ये कहा जाता है बहरेन को। आंसर इज डी, बहरेन। बहरेन कहाँ है? यहाँ पे है बहरेन। ओके, किंगडम ऑफ बहरेन इज एन आर्किपेलागो ऑफ 33 आइलैंड्स का ये आर्किपेलागो है और ये पर्शियन गल्फ में है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द फर्स्ट टू लीगलाइज गे मैरिज। कौन सी कंट्री थी जिसने गे मैरिज को फर्स्ट लीगलाइज किया था? तो ये था आयरलैंड। आयरलैंड ये फर्स्ट कंट्री था वर्ल्ड का जो जिसने लीगलाइज किया गे मैरिज को बाय पब्लिक रेफरेंडम विद द मेजॉरिटी ऑफ 68%। 68% की जो मेजॉरिटी थी, पब्लिक रेफरेंडम कराया था, उसके बाद इन्होंने गे मैरिज को लीगलाइज कर दिया। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए करेक्ट स्टेटमेंट देखना है तो पूछ रहा है नेचुरल ग्रोथ क्या होता है, बर्थ प्लस माइग्रेशन प्लस आउटर माइग्रेशन। नहीं, नेचुरल ग्रोथ क्या होता है? टोटल बर्थ माइनस डेथ। ओके, टोटल बर्थ माइनस डेथ होता है नेचुरल ग्रोथ। तो ये वाला गलत हो गया। और एक्चुअल ग्रोथ क्या होता है? एक्चुअल ग्रोथ होता है आपका, एक्चुअल ग्रोथ जो होता है बर्थ माइनस डेथ प्लस माइग्रेशन प्लस माइनस आउट माइग्रेशन। तो एक्चुअल ग्रोथ इक्वल टू क्या होता है? ये भी गलत दिया है, बर्थ डेथ दिया हुआ है, ये भी गलत है। तो इसमें कोई भी सही नहीं है। आंसर इज डी, एक्चुअल ग्रोथ क्या होता है? बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, ये होता है एक्चुअल, एक्चुअल ग्रोथ ये होता है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट नीप टाइड्स। नीप टाइड्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सा है? दे ऑकर व्हेन द सन एंड द मून आर इन द अर्थ इन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में नहीं, परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए कुछ ऐसे होते हैं, ये है आपका सन, ये है मून, ये है अर्थ, और सन और मून परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये गलत हो गया। जब स्ट्रेट लाइन में होते हैं ना तो स्प्रिंग टाइड होता है, जब स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो स्प्रिंग टाइड होता है। ओके, द टाइड ड्यूरिंग द पीरियड विल बी लोअर देन द नॉर्मल। यस, लोअर देन नॉर्मल होता है, ये बिल्कुल ठीक है। दे आकर ट्वाइस इन अ मंथ, वन ऑन द फुल मून एंड अदर ऑन द न्यू मून। नहीं, ये स्प्रिंग टाइड का कंडीशन है, ये इसका कंडीशन नहीं है नीप टाइड का। तो ये गलत हो गया। नीप टाइड में क्या होता है? दे ऑल ऑकर ट्वाइस इन अ मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर मून एंड द लास्ट क्वार्टर मून। ओके, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, सो द ओनली टू इज करेक्ट। हु प्रपोज्ड द फिशन मिशन, फिशन मॉडल ऑफ द ओरिजिन ऑफ द मून? किसने प्रपोज किया फिशन मॉडल? फिशन मॉडल में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से दूर होता जा रहा है। जैसे इसमें, इस थ्योरी में क्या गया कहा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मून इज ग्रेजुअली मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, विच मीन्स ये ओरिजिनली अर्थ का पार्ट था पास्ट में, अब फ्लंग हो गया है आउटवर्ड ड्यू टू अर्थ देन फास्टर रोटेशन। तो ये कहा किसने था? ये कहा था जॉर्ज डार्विन में। आंसर इज बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गल्फ ऑफ लार्जेस्ट ऑयल स्पिल टुक प्लेस। कौन सा गल्फ है जिसमें लार्जेस्ट ऑयल स्पिल टुक प्लेस किया हुआ था? तो ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। आंसर इज ए। तो ये हुआ कब था? ये 20th अप्रैल 2010 में हुआ था। ओके,
मास्ट्रिच सिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? मास्ट्रिच सिटी किससे रिलेटेड है? तो ये यूरोप यूनिफिकेशन से रिलेटेड है। मास्ट्रिच ट्रिटी इज़ द ट्रिटी ऑन यूरोप यूरोपियन यूनियन। इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। और ये साइन किया हुआ था 1991 में साइन हुआ था और इफेक्ट में आया था 1993 को। हेलियोस्पोज इज द थियोरेटिकल बाउंड्रीज बियॉन्ड विच? हेलियोस्पोज जो है वो थियोरेटिकल बाउंड्री है बियॉन्ड विच वॉट? तो ये है सोलर विंड्स कैन नॉट रीच। आंसर इज सी, हेलियोस्पोज इज द थियोरेटिकल बाउंड्री बियॉन्ड विच सोलर विंड्स कैन नॉट रीच। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ न्यूटेशन इन अर्थ एक्सिस? मेजर कॉज ऑफ न्यूटेशन इज वॉट? तो ये है टाइडल फोर्सेस। In case of the earth, the principal source of tidal force are sun and the moon. और ये क्या करता है, continuously change होता है location related to each other and thus cause nutation in earth axis. What is the distance between consecutive longitude at poles? तो ये देखिए longitude को पूछ रहा है, तो डिस्टेंस पूछ रहा है पोल्स पे लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस कितनी होती है, तो ये होती है 0 किलोमीटर। ओके, पोल्स यहाँ है और यहाँ पे 0 किलोमीटर होती है। सरिस्का एंड रणथंबोर आर द रिजर्व फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये रिजर्व हैं किसके, टाइगर रिजर्व हैं। रणथंबोर नेशनल पार्क नियर सवाई माधोपुर इन राजस्थान। रणथंबोर जो है वो सवाई माधोपुर में है, राजस्थान में है, और सरिस्का भी आपका राजस्थान में ही है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में सरिस्का पड़ता है। ओके, इन एनुलर पैटर्न रिवर्स फ्लो। एनुलर पैटर्न जब होता है रिवर फ्लो करती है कैसे, लाइक अ रिंग। एनुलर पैटर्न जब होता है तो रिवर लाइक अ रिंग फ्लो करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व एलिफेंट रिजर्व एज वेल एज बायोस्फीयर रिजर्व? इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है? तो ये है मानस। मानस कहाँ है, असम में, यहाँ पे देखिए ये है मानस। मानस नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट a project tiger reserve an elephant reserve and a biosphere reserve। इतनी सारी चीज़ें ये है। बांदीपुर भी नेशनल पार्क है, इसको establish किया गया था 1973 में। ओके, और गिर भी एक फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, और ये रोहला नेशनल पार्क है कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश में है, और गिर गुजरात में है, बांदीपुर कर्नाटक में है। नेशनल वाटर वे टू कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया? नेशनल वाटर वे टू किसको कनेक्ट करता है, तो ये करता है कनेक्ट सादिया एंड धुबरी को। सादिया एंड धुबरी को कनेक्ट करता है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट एम, थैंक यू।